Hello friends, good morning and welcome to the Target Tutorial YouTube channel. Target Tutorial के YouTube channel पर आपका स्वागत है. आज है 26 नवंबर 2018. आज के जितने भी important current affairs बनेंगे वो मैं आपके साथ discuss करूँगा. Video start करने से पहले आप हमारे WhatsApp group और e-संदेश group से जुड़ सकते हैं. इसकी लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है. वहाँ पर आप ई संदेश मैसेंजर्स को जो प्ले स्टोर हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यह बहुत ही इजी और फास्टेस्ट एप्लीकेशन है. इसके थ्रू जो है आपको 100% सिक्योर भी है ये, और ये जो है अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज देता है, जहाँ पर आपको किसी भी मेमोरी कार्ड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने डाटा को रखने के लिए. और आप हमसे इसके थ्रू जुड़कर विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स. भारतीय क्रिकेटर T10 लीग के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इन व्यक्ति का नाम क्या है? ये व्यक्ति हैं प्रवीण तांबे. प्रवीण तांबे ने T10 लीग में हैट्रिक लगा दी है और ये 47 वर्षीय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं. इनका नाम है प्रवीण तांबे. इन्होंने क्रिकेट के जो नवीनतम प्रारूप है T10 लीग के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इन्होंने सिंधिया के लिए खेलते हुए केरल नाइट्स के खिलाफ केवल 15 रन देकर 2 ओवर में 5 विकेट लिए. ये जो टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है T10 लीग, ये संयुक्त अरब अमीरात में 21 नवंबर 2018 से शुरू हो गया है. बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर. हाल ही में एडिडास के प्रभारी व्यक्ति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है प्रभारी व्यक्ति के रूप में एडिडास के. एडिडास है खेल निर्माता कंपनी है, ये खेल के सामान बनाती है. और ये जो हैं ये हैं व्यक्ति मनप्रीत सिंह. मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं और ये अर्जुन अवार्ड्स भी से भी सम्मानित थे. इन्होंने जो खेल सामान निर्माता कंपनी है एडिडास, इनके साथ ये जुड़ गए हैं. अभी हाल ही में भुवनेश्वर में 28 नवंबर से विश्व कप, जो हॉकी विश्व कप है वो शुरू होने जा रहा है, उसमें ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तानी मनप्रीत सिंह संभाल रहे हैं. ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर. हाल ही में संदीप माइकल का निधन हो गया है. ये किस खेल से संबंधित थे? ये हैं संदीप माइकल और इनका निधन हो गया है. ये थे हॉकी प्लेयर. जानते हैं इनके बारे में, तो ये 33 वर्षीय पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे संदीप माइकल, जिनका 2003 में एशिया कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम की नेतृत्व किया था इन्होंने. और इनका अनिश्चित न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण मृत्यु हो गया है. ये कोमा में चले गए थे और कोमा में जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई है. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर. हाल ही में महान फुटबॉलर डीडीआर ड्रोगबा ने 40 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दी है. ये किस क्लब के खिलाड़ी थे? ये थे आइवर कोस्ट और चेल्सी के. आइवर कोस्ट और चेल्सी क्लब के लिए खेलते थे इन. ये महान फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने वर्ष 2004 से 2012 के बीच में चेल्सी के लिए खेला था. 226 मैचों में इन्होंने 100 गोल स्कोर किए थे. ये चेल्सी के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से चौथे स्थान पर रहे हैं. और इन्होंने अपने करियर में 497 मैच खेले हैं और उनमें 210 गोल किए हैं. अब बात आती है चेल्सी की. ये चेल्सी फुटबॉल क्लब है, ये कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो ये है यूके का. यूके लंदन का है ये फुटबॉल क्लब. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर. बीमारियों पर जानकारी प्रदान करने के लिए रोगियों के लिए पहला चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो कंपनी है जिसने ये चैटबॉट लॉन्च किया है रोगियों के लिए, तो ये चैटबॉट लॉन्च किया है ल्यूपिन द्वारा. ल्यूपिन एक कंपनी है, ये एक फार्मा कंपनी है ल्यूपिन. इसने बेंगलुरु में डायबिटीज़ के अध्ययन के लिए रिसर्च सोसाइटी की 46वीं जो वार्षिक बैठक हुई थी उसमें
स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के लिए चिकित्सकीय रूप से सत्यापित जानकारी प्रदान करने के लिए एक आन्या नाम, इस ऐप का नाम क्या है, आन्या, ये चैटबॉट है, आन्या नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। प्रारंभिक चरण में ये ऐप क्या करेगा, ये जो चैटबॉट है ये मधुमेह से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करेगा और अंततः इसके दायरे में वृद्धि हो जाएगी, बाकी सारी जो बीमारी है उससे रिलेटेड ये भी प्रश्न पर संबोधित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आन्या चैटबॉट है ये ल्यूपिन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आभूषण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत में घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई थी, ये अभी हाल ही में डोमेस्टिक गोल्ड काउंसिल का आयोजन स्टार्ट की गई है और इसकी परिषद की स्थापना की गई है और ये स्थापना की गई है नई दिल्ली में। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु, इन्होंने 24 नवंबर 2018 को आभूषण क्षेत्र में वृद्धि के लिए भारत में घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने की सरकार के इरादे की घोषणा की है। नई दिल्ली में भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। किस सरकार ने मिलावट विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए बिल पारित किया है, तो ये जो मिलावट होती है खाने में उसमें उसके विरोध में एक कानून में संशोधन किया है और एक बिल पारित किया है, ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक बिल पारित किया है जिसके अंतर्गत जो है भोजन और दूध में मिलावट के लिए जीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही साथ मिलावट अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती भी होगा। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है, तो महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। सी विद्यासागर राव यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। एआईआई ने किसके उड़ान लाइसेंस को रद्द कर दिया है और खराब प्रदर्शन के कारण 7 हवाई अड्डों को निलंबित भी कर दिया है, तो ये किया है एयर उड़ीसा के, एयर उड़ीसा का लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया है। और जो 7 हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये 7 हवाई अड्डे हैं झारसुगड़ा, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और विशाखापट्टनम। यहाँ ये जो 7 हवाई अड्डे इनको निलंबित कर दिया गया है। अब ये क्यों किया है, तो इसके पीछे कारण है कि जो 3 महीने की अवधि है उसके भीतर जितने भी हवाई अड्डों से निर्धारित उड़ानें थी उनकी न्यूनतम 70% को संचालित करने की भी विफलता है। इन्हों यहाँ पर जो न्यूनतम आर्द्रता रखी गई थी हवाई अड्डों पर उड़ान की उसमें 70% से भी कम संचालित हुई है, इस वजह से इस विफल के कारण इन हवाई अड्डों को निलंबित कर दिया है और इस एयर उड़ीसा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। उससे पहले जान लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल वो है गुरुप्रसाद मोहपात्रा। गुरुप्रसाद मोहपात्रा यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। जानते हैं उड़ीसा के स्टैटिक फैक्ट के बारे में, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। लोरियस अवार्ड्स 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये जो लोरियस अवार्ड्स हैं इसका आयोजन किया जाएगा मोनाको में। मोनाको में जो ये लोरियस अवार्ड्स आयोजित किया जाएगा 2019 में, ये 7वां आयोजन होगा। इससे पहले मोनाको में 7 बार ये 7वां अवार्ड होगा। इससे पहले 6 अवार्ड हो चुके हैं जिसमें 2017 और 2018 में जो अवार्ड हुए थे वो भी यहीं दिए गए थे। अब जो ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019, इसका आयोजन 18 फरवरी को मोनाको में किया जाएगा। अब ये जो है लोरियस अवार्ड्स 2019, इसमें दुनिया भर के जितने भी खेल प्रशासक हैं वो
इसमें भाग लेंगे। और पिछले साल जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था और सेरेना विलियम्स को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था। इसमें विभिन्न स्पोर्ट्स प्लेयर जितने भी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष में जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसे नाम दिया गया लोअर्स अवार्ड्स 2019। बढ़ते हैं मोनाको के बारे में, ये आयोजन मोनाको में होने जा रहा है। तो मोनाको है, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने, और इस वर्ल्ड मैप में ये जो जगह है इसको मैंने ये वाइट करके बताया है, इसमें ये फ्रांस है, ये इटली है और ये है मोनाको। ये मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन के सी पर ये है कोस्ट पर मोनाको। ये मोनाको एक यूरोपियन कंट्रीज है और इसकी जो राजधानी है वो मोनाको ही है और मुद्रा है यहाँ की यूरो। मुद्रा याद रखिएगा, राजधानी तो मोनाको ही है और मुद्रा है यूरो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। उबर इट्स ने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो उबर इट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब जानते हैं तो 24 नवंबर 2018 को खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जो है उबर इट्स, जो अभिनेत्री है आलिया भट्ट, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और भारत का पहला देश होगा जहां पर वैश्विक कंपनी ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ भारत में उबर इट्स को पहली बार मई 2017 में मुंबई में लॉन्च किया गया था और यह वर्तमान में देश भर के 37 शहरों में मौजूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। दो गश्ती जहाजों ICGS अमृत कौर और ICGS कमला देवी को भारतीय तटरक्षक के लिए कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है कोलकाता में। कोलकाता में जो हुगली बंदरगाह है, हुगली नदी के तट पर इन्हें लॉन्च किया गया है और इनका नाम है ICGS अमृत कौर और ICGS कमला देवी। और ये जो बिल्ड किया है, ये किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने। और ये कब किया है लॉन्च? ये किया है 22 नवंबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, तटरक्षक भारतीय पोते हैं, जहाज हैं और इनका नाम है अमृत कौर और कमला देवी। ये है आज की न्यूज़। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।